में। उस वन में जितने पेड़ हैं सबकी जड़ें जमीन छोड़े हुए हैं। वहां तूफान से पेड़ गिर गिर कर कितने ही आदमियों की जान जा चुकी है। मैंने कहा मत जाओ, मगर वो एक पेड़ जमीन से उखड़ गया, दीवार पर गिरा। देवी कहाँ जाती हो? चंदन वन में। आप इस तरह क्या देखते हैं? मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। ये अच्छे तो हो जाएंगे ना? जरूर अच्छे हो जाएंगे। वो जो मैंने जड़ी दी है ना, उसे घिस कर लगाइए, देखिएगा दो ही दिन में आराम हो जाएगा। मगर देखिए सर पर पंखा बराबर झला जाता रहे। अच्छा। बराबर समझे। लाओ मुझे दो। तुम लोग जानते हो आपकी पूर्णमासी को इस मठ के होने वाले प्रधान का तिलक जिसके लिए तय पाया था वो अब चला गया है। उसकी जिंदगी बेकार है, मगर एक आदमी के पाप के लिए मठ के तमाम काम नहीं रुक सकते। आपकी पूर्णमासी को तिलक जरूर होगा, मैंने दूसरा आदमी चुन लिया है। इस मठ का होने वाला प्रधान है निरंजन। पूर्णमासी को अब ज्यादा दिन नहीं है, निरंजन के तिलक का बंदोबस्त आज ही से शुरू कर दो और कल से तुम लोग सुबह शाम तिलक के लिए गंगा जल ले आया करो। निशान मिटना शुरू हो गया। अब तबीयत का क्या हाल है? अच्छा हूँ। आज मुझे सब कुछ अच्छा मालूम होता है और सबसे अच्छी मालूम होती हो तुम। क्यों? ये नहीं जानता। सुंदर गाना सुनोगे? जरूर। अच्छा ठहरो, मैं कवि जी को अभी बुला लाती हूँ। जमुनिया जमुनिया ब्रह्मचारी जी गाना सुनेंगे। उसके
बाद शायद महल देखेंगे, है ना? चुप। इतनी करना ना के ना पड़ा, देवी जी देख लेंगे। चमुनिया मैं तो सुनो, कवि जी को बुलाओ। हाँ ठीक तो है, ठीक है। तेरी दया से आए दई, तेरी दया से आए दई, आज मुराद मिल गई, आज मुराद मिल गई, तेरी दया से आए दई। मन की नदी में आई बाढ़, मन की नदी में आई बाढ़, मौज उठी नई नई, आज मुराद मिल गई, तेरी दया से आए दई। चमन हंस रहा है, बहार आ रही है, हर एक खिलती कोपल विकसती कली है, हवा मस्त है और गुल खिल रहे हैं, जिधर आंख उठाओ खुशी ही खुशी है, फोटो पे आ गई हंसी, दिल की कली भी खिल गई, होटो पे आ गई हंसी, दिल की कली भी खिल गई, आज मुराद मिल गई, आज मुराद मिल गई, आज मुराद मिल गई। क्या है सत्य सुंदर? हाँ तो क्या है? यही है ना? तो इससे तुम्हें क्या? कुछ नहीं, प्रायश्चित कर रहा है ना। काहे का प्रायश्चित? काहे का? हाँ काहे का, क्यों करे? मैं एक बार सत्य सुंदर से मिलना चाहता हूँ। क्यों क्यों? हाँ हाँ क्यों? अच्छा अच्छा तो फिर मैं जाता हूँ। जाओ। जाऊँ? हाँ हाँ जाओ, इधर नहीं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विमले मम मतिरातं तब पद कमले, भागीरथि सुखदायिनि मात तब जल महिमा निगमे ख्यात, नाहं जाने तब महिमानं पाहि कृपामयि माम ज्ञानम्। आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। मेरी राह? तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि स्वर्ग के देवता ने आज मेरी तरफ नजर की? क्यों? फूलों की माला
फूल बहुत पसंद है, इसीलिए। मुझे जो पसंद होता है वो तुम्हें भी पसंद होता है। बहुत। क्यों? पसंद के लिए क्यों का सवाल ही बेकार है। ये पसंद और ये प्रेम तो जीवन के साथ साथ जन्म लेते हैं। फिर भी दुनिया पूछ रही है ये पसंद क्यों, ये प्रेम क्यों। रूठ गए? हाँ रूठी तो, इतनी छानबीन काहे की है। छानबीन या विचार से कभी किसी को कुछ मिला है? फिर काहे से मिलता है? दिल से। दिल अगर भूल करे? नहीं, जो दिल देना जानता है उसका दिल भूल नहीं करता। फिर कहो। नहीं। आओ। कहाँ? जहाँ मेरी मर्जी। चलो। मच्छर। दरतो तरनो तरदे तरत। कवि जी नमस्ते। नमस्ते। क्या देवी अब तक नहीं लौटी? नहीं। भूतनाथ गंगा जमुना कोई भी नहीं? क्या मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ सकता हूँ? रात खत्म होने को होगी। हो सकता है। अभी तक वो लोग नहीं लौटे? नहीं। अच्छा तो मैं आज चलता हूँ। आज कैसी? अब तो कल शुरू होने को है। नमस्ते। आवाज आ रही है, वो जैसे मुझे बुला रही है, जैसे। क्या सुन रहे हो? जानती हो वो लोग कौन है? कौन है? मठ के ब्रह्मचारी तिलक के लिए गंगा जल लेने आए हैं। तिलक काहे का, किसका? अब किसका है ये नहीं मालूम, मगर होने को था मेरा। तुम्हारा?
हाँ रूप, स्वामी जी के हुक्म से अब की पूर्णिमासी को मठ में ज्ञानानंद महाराज के बाद होने वाले प्रधान का तिलक होने को था। कह पाया था कि मैं, अब हो सकता है कि निरंजन, धीरानंद या और किसी का हो। रूप, चलो घर चलें, तुम्हारे घर। उन सबको बुला ले सुखपाल। नहीं, टहलते हुए चलेंगे। जंगल की राह, अकेले, तुम और हम, और कोई ना हो। चलो। कौन तुझे समझाए मूर्ख, कौन तुझे समझाए, कौन तुझे समझाए मूर्ख, कौन तुझे समझाए। प्रेम जुआ और लाभ की आशा जो है ये भी जाए, प्रेम जुआ और लाभ की आशा जो है ये भी जाए। मन मौजन की उल्टी गंगा जी का गाँव हराए मूरख, कौन तुझे समझाए। चाल बदलना माझी, अपनी चाल बदलना माझी, मान भवन न सताए। स्वर्ग घाट को जाते नैया नरक पहुँच न जाए, स्वर्ग घाट को जाते नैया नरक पहुँच न जाए मूरख, कौन तुझे समझाए। सुंदर, सुंदर रूप, सुनती हो? वो लोग कह रहे हैं लौट आओ, चले आओ। रूप, क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकती? तुम मुझे क्यों नहीं रोक लेती? वो लोग मुझे खींचे लिए जा रहे हैं। तुम्हारा वो मनोहर रूप मुझे इस वक्त क्यों नहीं खींचता? तुम्हारे रूप का रूप मुझे क्यों नहीं अपने में समा लेता? सुंदर, घबराओ नहीं, सुनो। नहीं, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं जा सकता। तुम्हें भी छोड़कर नहीं जाया जाता रूप, तुम्हें छोड़कर जाते मुझे बहुत दुख होता है। मालूम होता है जैसे जान निकल जाएगी। तुम तो मुझ में समाई हुई हो रूप, ये कैसा जानलेवा बंधन। मैं इस बंधन को तोड़ डालना चाहता हूँ। अच्छा, इस अकेले जंगल में तुम रूप को गला घूट कर मार डालो, तुम्हारा बंधन टूट जाएगा। नहीं, रूप के मरने से ये बंधन दूर नहीं हो सकता, बल्कि ये बंधन और बढ़ जाएंगे। ये बंधन दूर हो सकता है अगर अगर सतसुंदर मर जाए। क्या क्या कहा, क्या कहा तुमने? अगर मैं मर जाऊं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी, मठ में भी जाने नहीं दूंगी। तुम मेरे हो, मैं तुम्हें ले जाऊंगी चंपा छोड़कर, इस देश को छोड़कर दूर, जहाँ मठ न हो, ज्ञानानंद न हो, कोई भी कुछ भी न हो, सिर्फ तुम और हम। नमस्ते सेठ जी, अब मैं जाती हूँ। सुन चुका हूँ देवी। सेठ जी, आप जिस तरह मुझे चंपा नगर में लाए थे उसी तरह हंसी खुशी विदा भी कर दीजिए।
जरूर देवी, मगर इस रोनी सूरत पे हंसी नहीं फूटती। कोशिश करके देख चुका हूँ, जब हंसता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि रो रहा हूँ। कब जाइएगा? आज ही शाम को सेठ जी, चांदनी रात में। आज ही? आपके लिए बैलगाड़ी, आदमी, घोड़े सब तैयार रहेंगे। सेठ जी,